जो बच्चे आगे बढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो बच्चे पढ़ने के बाद उनको यदि प्रॉपर तरीके का सम्मान मिलता है तो निश्चित रूप से उसकी दिशा आगे की तरफ बढ़ती है। ऐसा सोचने वाले मैं हरिचंदन जी को सबसे पहले नमन करता हूं। जब इस परिकल्पना 16 वर्ष पूर्व 17वें वर्ष जब ये प्रारंभ मन में सोची थी, उस वर्ष हम लोगों ने साईं बाबा मंदिर जो अजमेर के अंदर सेवा की कई गतिविधियों को जोड़कर चल रहा था, ऐसे ट्रस्टी महेश तेजवानी जी से हमने निवेदन किया कि महेश जी हम ये इस कार्यक्रम को प्रारंभ करना चाहते हैं परंतु हमारे पास में कोई बैनर नहीं है, हम आप ही के बैनर के जरिए, क्योंकि निश्चित रूप से साईं बाबा सबके हैं तो इस बैनर के जरिए से हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करना चाहते हैं। परंतु सरल मन से जिस तरीके से महेश जी ने इसकी स्वीकारिता दी और निश्चित रूप से उस वजह से आज ये 31वां वर्ष में हम दो कार्यक्रम सम्मान के समारोह करते हैं, एक 12वीं कक्षा का करते हैं, एक 10वीं कक्षा का करते हैं, 12वीं कक्षा का इस वर्ष के अंदर और 10वीं क्लास का जो सम्मान है वो 7 तारीख को है। तो ये कार्यक्रम के लिए सोचा हम लोगों ने उन्होंने किया और आज ये 31वां कार्यक्रम संपादित होने जा रहा है। इसके लिए ये सारे बच्चे, यदि आप लोग नहीं होते तो ये कभी भी सम्मान का समारोह नहीं हो सकता था। निश्चित रूप से जो हरिचंदानी जी के मन में प्रेरणा थी, महेश जी के मन में तमन्ना थी, मेरे मन में तमन्ना थी कि निश्चित रूप से बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, बच्चों के लिए कुछ आगे बढ़ाना चाहिए। परंतु मन में प्रेरणा कहाँ से आई? वो प्रेरणा ही स्वामी हृदयाराम जी के उन शब्दों की वजह से जिसकी वजह से हमने अपने जीवन को उसको ध्येय मान लिया। स्वामी जी बोलते थे कि बूढ़ा बच्चा और बीमार, बूढ़ा बच्चा और बीमार है परमेश्वर के यार, करें भावना से सेवा इनकी, करें भावना से सेवा इनकी, पाएंगे लोक परलोक में सुख अपार। जो स्वामी जी का ये हनुमान ये पुष्कर प्रसाद था वो निश्चित रूप से हमने उसको स्वीकार करके सब चीजों को आगे बढ़ाया। स्वामी जी 2006 में हम लोगों को छोड़कर ब्रह्मलीन हो गए, परंतु हमारे साथ में विरासत के रूप में हमारे साथ में हनुमान राम जी जैसी इंडस्ट्रियलिस्ट, लेखक और मोटिवेटर, ऐसा यदि कॉम्बिनेशन होता है तो वो आर एस चौहान साहब का होता है। निश्चित रूप से मैं उनको प्रणाम करता हूँ। यदि एक दिशा में सोचा जाए कि बच्चे सिर्फ इंडस्ट्री लगाएंगे ये चीज़ नहीं होती है, कहीं ना कहीं उन बच्चों को आर एस की पढ़ाई भी करनी पड़ती है, उन बच्चों को कई सारे कॉम्पिटिशन्स का भी की तरफ भी बढ़ना पड़ता है। तो उन सारे कॉम्पिटिशन्स को किस तरीके से फाइट किया जाए, क्या छोटी छोटी हिडन प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सारी चीज़ों को देखने के लिए हमारे साथ में सुरेश सिंधी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो पूर्व में कलेक्टर अतिरिक्त कलेक्टर के रूप में यहाँ अजमेर से आप रिटायर हुए हैं। परंतु सबसे बड़ी चीज जो एक आशीर्वाद चाहिए होता है, एक सजग तरीके से आशीर्वाद यदि किसी का चाहिए तो कहीं ना कहीं बड़ों को गाइडलाइन लेके करना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों के अंदर हमारे साथ में रामचंद्र जी साईं बाबा मंदिर में निश्चित रूप से सेवाएं देते हैं, परंतु उनका गुड विशेष हमेशा कहते हैं नहीं बेटा आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, हमेशा एक ही आशीष देने वाले हमारे साथ में रामचंद्र जी, गुलाबानी साहब हमारे साथ में मौजूद है। पत्रकारिता की दुनिया के अंदर 2003 के अंदर में आया, निश्चित रूप से आने का कोई अन्य कारण थे इस कारण से नहीं आया परंतु आया था। परंतु भास्कर के बड़े उच्च पद पे बैठे हुए गिरधर तेजवानी जी जब पत्रकारिता के क्षेत्र में कर रहे थे कार्य, मेरी सिर्फ उनसे जान पे जानती सिर्फ एक वर्ग था, परंतु एक दौर आया ऐसा जब चेटीचंद के महोत्सव होते थे और सिंधु जागृति मंच के नाम से एक बड़ा मंच अजमेर के अंदर तैयार हो रहा था, तो एक ऐसा बहुमुखी सोच का व्यक्ति निश्चित रूप से गिरधर तेजवानी जी, जिन्होंने 2008 के लेके आज तक सतत रूप से साथ में जुड़कर मतलब मन में हमेशा एक आशीष देते, क्योंकि मेरे बड़े हैं, आशीष देते हुए आपने सब कुछ किया है। प्रकाश जेठा जी, वाधवानी जी, बमानी साहब, कमल जी, ओम जी, वृंदानी साहब, दादा जंग और सारे बच्चों और कई सारे यहाँ पर लोग हैं, अपने सुनील जी के परिवार से भी हमारे साथ में यहाँ पर मोतियानी जी के परिवार से भी हैं, उनके बच्चे भी उच्च श्रेणी के अंदर आए हैं और कई सारे पेरेंट्स यहाँ पर उपस्थित हैं। मैंने ये परिचय आप लोगों को इसलिए कराया कि ये जो व्रत इस समय मंच है, ये मंच सिर्फ आप लोगों का समय व्यतीत करने के लिए नहीं है, ये अपने मन मस्तिष्क में बिठा लेना,
इनमें से जो भी लोग आपको उद्बोधन देने वाले हैं उनको यदि आपने मन मस्तिष्क में बिठा लिया तो आपके जीवन में, अभी आप 12th के बाद यदि आपको लग रहा होगा कि मैं क्या सब्जेक्ट में जाऊं, अभी सही सारे मेरे को ये कॉलेज नहीं मिल रहा है, मेरे को ये जगह नहीं मिल रही है, मेरे को क्या करना चाहिए, ऐसी सारी गाइडलाइन आप लोगों को देंगे।